सारे मिट्टी के पहाड़ हैं और सीमेंट इस एरिए में ज़्यादातर इधर से ही आता है। पेड़ दादर खान से में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं चकवाल एरिए में, वो सारा सीमेंट ट्रकों पे आता है इधर, इसी एरिए से आगे मंडी वालदीन का निकल जाता है। कि रोड को काफ़ी एक्सपेंड किया गया है, काफ़ी बड़ी रोड होगी ये, डबल रोड होगी, दोनों तरफ ट्रक चलेगी और ये इसको लेवल करते जा रहे हैं। वो आगे मशीनरी भी लगी हुई है, आप देख रहे हैं पीछे ये मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ से हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं उस सैयद मुजम्मिल हक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त दरिया जेहलम के किनारे, ये करेने लगी हुई हैं और ये ट्रालियों में इधर से मिट्टी को लोड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत है उधर उधर इसको फेंकते जा रहे हैं लोड करके। ये पहाड़ियाँ तकरीबन सारी रेत की पहाड़ियाँ ही हैं, मिट्टी रेत। ये रास्ते में छोटी छोटी पुलियाँ भी बनाते आ रहे हैं निकासी करने के लिए, क्योंकि जब पानी हो बारिश होगी तो ये रोड को ख़राब कर देती है पानी, तो ये पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ये छोटे छोटे पुलियाँ भी बनाते जा रही हैं। ये पुली की शटरिंग हो रही है, फिर इसके अंदर सरिया और सीमेंट के साथ भराई कर देंगे, जैसे वो साइड हुई हुई है। एक साइड हुई है ना भाई, ये एक साइड इसकी बनी हुई है, नीचे बेड भी इसका हुआ है। ये भाई कितने अरसे में बन जाएगा? नहीं, ये रोड तकरीबन 3-4 साल लग जाएंगे या 2-1 साल लगेंगे? 2 साल। 2 साल? 2 साल भाई कह रहे हैं लग जाएंगे। और ये छोटे छोटे पुल इसी तरह ही रोड पे बनाते जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं कलवट बोलते हैं इस पुल को, ये छोटी छोटी पुली होती हैं जहाँ से पानी की निकासी कर दी जाती है। ये भाई साथ नाला होगा? हाँ, पानी साइड से। अच्छा, ये मतलब पहाड़ी से आएगा पानी और इधर निकल जाएगा और इधर से आगे निकल जाएगा। ये अब मैं काफ़ी हाई पॉइंट पे आ गया हूँ, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये पुराना रोड जा रहा है ऊपर से और ये नया रोड नीचे बनेगा, नीचे लेबर लगी हुई है और इस तरह करके ये आगे निकल जाएगा। ये पुराने रोड को अभी इन्होंने नहीं छेड़ा, इस तरह फिर वो आगे निकल जाएगा रोड, वो आगे भी काम लगा हुआ है। ये भी एक छोटी पुली निकासी वाली तैयार हो गई है, सामने से ट्रैफिक आ रही है और ये मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये पुराना रोड जा रहा है, हमने पुल बन रहा है, एक इसके साथ पुराना पुल है जो पुराना रोड था और ये नया पुल तामीर हो रहा है। साथ ही स्टील पड़ा हुआ है सरिया और ये मैं बिल्कुल पुल के पास आ गया हूँ। ये पुराना पुल है और उसके साथ ही बिल्कुल ये नया पुल ज़ेरे तामीर है। ये बरसाती नाला है, वहाँ से देख सकते हैं आप, जब बारिश होगी तो पानी आता है फिर इस पुल के ज़रिए नीचे से निकल जाएगा। ये कोई दरिया या नहर के ऊपर पुल नहीं है। ये पुली भी अभी बनी है, ये बिल्कुल अभी इसको पानी की तरह ही लगाते रहे हैं।
नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरह आगे ये रोड़ी और मिट्टी बिखरी हुई है, वो आगे मशीनरी भी लगी हुई है। अब ये देख रहे हैं मिक्सचर प्लांट लगा हुआ है, ये बजरी के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही रेत के ढेर हैं। ये इधर से जो मिक्सचर है इसका सीमेंट और कंक्रीट का आगे जाता है, उससे पुल और कई जगह पे रोड जहाँ पर कंक्रीट करनी होती है करते हैं। ये है वो प्लांट। ये इधर हैवी मशीनरी खड़ी हुई है, मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।